हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना कबीर इन टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं। आपने वोटर आईडी कार्ड खो गया है या आपने वोटर आईडी कार्ड में कुछ करप्शन किया है, कुछ चेंजेस किया है और आप चाहते हैं कि आपके पास जो वोटर आईडी हो, आपके पास ऐसे एक वोटर आईडी हो जिसमें बिल्कुल सब कुछ सही हो, तो उसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने मोबाइल में एक ब्राउजर ओपन करिए और वहाँ टाइप करिए NBSP। टाइप करके आप सर्च करिए नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, वहाँ आप क्लिक करिए। उसके बाद आप लॉगिन रजिस्टर पर क्लिक करिए। अगर पहले से आप रजिस्टर है तो लॉगिन हो जाइए, अगर नहीं है तो डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर स्क्रॉल करके नीचे वहाँ क्लिक करिए, डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र। उसके बाद वहाँ आप अपनी मोबाइल नंबर ये कैप्चा फिल करके सेंड OTP पे क्लिक करिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को वहाँ नीचे वेरीफाई करिए। उसके बाद आप अपनी वोटर आईडी नंबर या अपने परिवार के किसी की वोटर आईडी नंबर वहाँ टाइप करिए और जीमेल आईडी और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, नंबर और करेक्टर, ये सब होनी चाहिए अपने पासवर्ड के अंदर। और पासवर्ड दोबारा कन्फर्म करिए और उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करिए। मैं पहले से रजिस्टर हूँ इसलिए मैं बैक पे आके लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन होने के बाद आप स्क्रॉल करिए वोटर पोर्टल, वहाँ आप बीटा वहाँ आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल करिए, वहाँ आपको मिलेगा रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी, वहाँ आप क्लिक करिए। वहाँ आपका नाम ये थोड़ा मुड़ा कुछ फॉर्म, छोटा सा एक फॉर्म आएगा, उसको फिलअप कर लीजिए। मैं स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूँ। मैं पहले से फिलअप करके रखा हूँ इसलिए ये ऑप्शन वहाँ नहीं आया है। वहाँ आपको देना होगा आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी नंबर है या नहीं। आप वहाँ नो है तो नो पर क्लिक करिए, यस है तो यस पर क्लिक करिए। हमारे साथ है इसलिए मैं यस पर क्लिक करता हूँ। और उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके वहाँ आप अपनी वोटर आईडी नंबर, जो अपनी वोटर आईडी नंबर है वहाँ उसी नंबर वहाँ टाइप करिए। टाइप करके आप डिटेल्स पर क्लिक करिए, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करिए। आपके सामने आपके पूरा डिटेल्स आ जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप नीचे कंटिन्यू ईपिक नंबर वहाँ आप क्लिक करिए, उसके बाद स्क्रॉल करिए कंटिन्यू। वहाँ आप एक मोबाइल नंबर देना होगा, मोबाइल नंबर टाइप करके सेंड OTP पे क्लिक करिए। उसके बाद OTP को वहाँ से आप वेरीफाई करिए, OTP आ चुका है, टाइप करिए और वेरीफाई पर क्लिक करिए। ये वेरीफाई सक्सेसफुल हो चुका है। वहाँ आपको देना होगा किसकी वजह से आप दोबारा अपनी वोटर आईडी कार्ड लेना चाहते हैं। आपने आपकी वोटर आईडी कार्ड खो गया है या आपने वोटर आईडी कार्ड में कुछ करप्शन किया है, कुछ चेंजेस किया है, वहाँ आप अपने हिसाब से वहाँ लिखिए। जैसे मैं लिख लेता हूँ लॉस माई कार्ड और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। वहाँ से आप चूज़ करना होगा अपनी वोटर आईडी कार्ड कहाँ से लेना चाहते हैं, CSC सेंटर से लेना चाहते हैं, बाई पोस्ट लेना चाहते हैं या BLO से लेना चाहते हैं। आप वहाँ से चूज़ करिए। अगर आप बाई पोस्ट लेना चाहते हैं तो आपको 30 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। अगर CSC से लेना चाहते हैं तो आपको इस तरह एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। और अगर आपने BLO से लेना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। मैं BLO सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। अभी ऑफलाइन पेमेंट होगा, अगर आपके ऑनलाइन होता है तो अच्छी बात है, ऑफलाइन पेमेंट होगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करिए। पेमेंट कहाँ से देना है सामने देखेंगे, कहाँ से पेमेंट देना है, किस तरह पेमेंट लेते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद पेमेंट पर
क्लिक करिए, वहाँ देखिए 25 रुपये देना होगा। EPIC सेंटर, BREC सेंटर, वोटर आईडी कार्ड रिप्लेसमेंट के लिए। EPIC सेंटर या BREC सेंटर कहाँ है आपको कैसे पता करें, उसको पता करने के लिए आप BLO से बात करें। आपने इलाका में, आपकी इलाके में जो BLO है उसके साथ आप बात करें। BLO का फ़ोन नंबर कैसे लेना है, BLO के साथ कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सामने बताने वाला हूँ। कंटिन्यू, ये आपकी पूरा फॉर्म आ जाएगा। आपने जो वोटर आईडी नंबर, वोटर आईडी कार्ड रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो आप सबमिट पर क्लिक करिए। सबमिट, और उसके बाद इस तरह एक रेफरेंस आईडी मिलेगा, आप उसका एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए। जब आप पेमेंट करते समय ये स्क्रीनशॉट या इसी रेफरेंस नंबर वहाँ से आप लिख के ले साथ में ले जाइए। और उसको ट्रैक कैसे करते हैं, ट्रैक करने के लिए आप वहाँ से उसको कॉपी करिए। उसके बाद फिर से गूगल ओपन करके टाइप करिए, NBSP टाइप करके सर्च करिए और नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पे फिर से आइए। वहाँ आपको मिलेगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, स्क्रॉल करिए। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस नीचे आपको मिलेगा, आप वहाँ क्लिक करिए। वहाँ आप अपनी ये रेफरेंस आईडी टाइप करिए और पेस्ट करके ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करिए। ये सबमिट हो चुका है, पेमेंट देने के बाद ये एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाएगा। BLO का फ़ोन नंबर लेने के लिए फिर से बैक पे आइए। वहाँ आप मोबाइल का एक आइकन है नोयर, वहाँ आप क्लिक करिए। वहाँ आप अपनी वोटर आईडी नंबर टाइप करके सर्च करिए, ये BLO का फ़ोन नंबर आपके सामने आ जाएगा। आप बात कर सकते हैं फ़ोन नंबर से कांटेक्ट करके। ERO का फ़ोन नंबर वहाँ आ जाएगा, सब का फ़ोन नंबर वहाँ मिलेगा। आप वहाँ से फ़ोन नंबर कॉपी कर लीजिए और उसके बाद आप डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। इस तरफ आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन पर क्लिक करके वॉल पर क्लिक कर लेना, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।